सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरु जी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैक्रो के बारे में। मैक्रो बेसिकली आप रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो डिलीट होने के बाद आप रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप अगर उसको शॉर्टकट की में बनाकर मैक्रो में रखते हैं तो आप इजीली एक क्लिक के आधार पर उसको ला सकते हैं। क्लिक करते ही वो चीज आपके सामने आ जाएगी। तो देखते हैं किस तरीके से हम शॉर्टकट रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं मैक्रो के जरिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ लोन शीट बनाऊंगा, लेकिन लोन शीट अभी नहीं बनाने के, लोन शीट बनाएंगे जब हम मैक्रो को ऑन कर देंगे, यानी कि रिकॉर्डिंग जब हम ऑन कर देंगे। तो व्यू पे आपको जाना है, व्यू टैब पर, व्यू टैब पर क्लिक करके आपको जाना है मैक्रोज पर और यहाँ से आपको जाना है रिकॉर्ड मैक्रो पर। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा मैक्रो नेम, तो आपने यहाँ पर लिख दिया लोन शीट, जिससे आपको याद रहे कि किस रिकॉर्डिंग का क्या नाम है। और यहाँ पर मैंने उसकी शॉर्टकट की के लिए L प्रेस कर दिया, इसका मतलब कंट्रोल L जब आप भी डालेंगे तो वो शीट जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपके सामने शो हो जाएगी। आप स्टोर किस में करना चाहते हैं, इसी वर्कबुक में करना चाहते हैं, नई वर्कबुक में करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ से लेना होगा दिस वर्कबुक, और डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें कि इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन, यहां पर आपने ये सब चीजें डाल दी। डालने के बाद जैसे ही आप ओके बटन को प्रेस करेंगे यहां से एक मैसेज आ गया, द नेम दैट यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो आपने मैक्रो का नाम सिर्फ लॉन रख दिया, और क्योंकि स्पेस यहां पर अलाउ नहीं होगा, जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहां पर रिकॉर्डिंग हमारी ऑन हो चुकी है। अब आपको चेक करना होगा, आप देख सकते हैं यहां पर एक बटन आ चुका है स्टॉप रिकॉर्डिंग का, लेकिन आपको अभी ये बटन प्रेस नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहां पर वर्क करना है, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तब आपको वहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग करना होगा। तो यहां पर हम एग्जांपल एक लोन निकाल रहे हैं, लोन रेट और ईयर 50,000 रुपए का एग्जाम्पल मान लेते हैं, और यहां से ले लेते हैं 4% और 3 ईयर्स के लिए। इंस्टॉलमेंट हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता ही है, लास्ट वीडियो में हम लोन शीट पढ़े थे तो वहां पर हमने यूज करा था PMT। रेट हमें देना है देन कोमा, हमें ईयर देना है देन कोमा, हमें माइनस के साथ हमारा लोन अमाउंट देना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट निकल चुका है। अब कोई भी हमें इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए हमें बार बार लोन शीट बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी में ही चेंजेस कर देंगे, चाहे वो लोन अमाउंट में चेंजेस करना हो, चाहे वो रेट में या वो ईयर में चेंजेस करना हो। तो फिलहाल हमारी रिकॉर्डिंग अब हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे मैक्रोज के अंदर और हमें क्लिक कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग पर। अब जैसे कि हमने इस फाइल को सेव नहीं करा है, हमने एक नई फाइल ले ली है, और नई फाइल लेते ही हमें वो रिकॉर्डिंग वापिस यहाँ पर लानी है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल L। अभी आप ऊपर देख सकते हैं बुक 2 शो हो रहा है, यहाँ पर कंट्रोल L हमने यहाँ पर प्रेस करा, और कंट्रोल L प्रेस करते ही लोन शीट हमारी पूरी हमारे सामने आ चुकी है। अब हम जो भी यहाँ पर अमाउंट चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे हमें कभी भी उनकी ज़रूरत है तो आप उन्हें कंट्रोल के साथ जो भी की अप्लाई करेंगे उससे आप वापस ला सकते हैं। ये दूसरा एक तरीका और है इसका लाने का, आपको वापस व्यू टैब पे जाना होगा, मैक्रोस पे जाना होगा और जाना होगा व्यू मैक्रो पे। यहाँ से आपने जो भी नाम दिया था उसका, उसको आपको रन कराना होगा, और रन कराते ही आपके सामने वो चीज आ जाएगी। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो फिर आप इस तरीके से भी अपनी रिकॉर्डिंग को रन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा किस तरीके से मैक्रोस का आप यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा
उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।